हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं रोज वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, और आज मेरे घर मेहमान आए हुए हैं और मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है, एकदम थोड़ा थोड़ा है सब चीज़। तो मम्मी झटपट जैसे घर में जो भी सामान है उससे बनाने जा रही हूँ पकौड़ा। देखिए ले ली हूँ पोहा, को फिंगा ली हूँ, एकदम अच्छे से भींग गया, देखिए एकदम मसल जा रहा है। अब उसमें डाल देंगे हरी मिर्च और प्याज कटी हुई, बहुत टेस्टी बनता दोस्तों, ये बहुत जल्दी से बन जाता है। और धनिया पत्ती ले ली हूँ एक मुट्ठी, एकदम ताज़ा फ्रेश धो के ले लिए हैं, इसको भी अच्छे से काट के इसमें डाल देंगे। देखिए धनिया पत्ती डाल दिए हैं, और उसके बाद डालेंगे इसमें गरम मसाला। और डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, डाल देंगे बेसन, इसको अच्छा से एकदम मसल लेंगे दोस्तों। और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे दोस्तों। ये इसमें धनिया पत्ती में बहुत अच्छा फ्लेवर डालेगा, थोड़ा गरम मसाला भी डाल दिए हैं इसलिए ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब इसको अच्छे से मसल मसल के इसको सान लेंगे। अब इधर तेल भी चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, पोहा टाइट होता है तो पानी थोड़ा डालना पड़ेगा। बेसन मिलाया है, देखिए दोस्तों सान लिए हैं, देखिए अच्छे से। अब उसको ऐसे चिपका बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, छोड़ देंगे तेल में दोस्तों। बहुत एकदम बहुत तरह खास का बनेगा पकौड़ा। पोहा तो पकौड़ा है दोस्तों, जैसे बहुत टेस्टी भी लगता है और बहुत फायदा भी रहता है इसको। और थोड़ा सा खाने से पेट भी भर जाता है क्योंकि पोहा है, पेट में जाकर फूलता है। ये हेल्दी रहता है और बच्चे लोग मेरे यहाँ का बहुत सबसे खाता है, बहुत खस्ता बनता है क्योंकि। देखिए दोस्तों एक साइड हो गया है, पलट दे रहे हैं दूसरा साइड, कितना अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। देखिए दोस्तों एकदम अच्छा कलर हो गया, एकदम खस्ता भी बना है, देखिए आवाज आ रहा है एकदम। डाल देंगे बाकी को भी, देखिए दोस्तों गरम गरम बनते जा रहा है और देते जा रहे हैं खाने के लिए। और एक ग्रीन सॉस है, ग्रीन चिली सॉस, टमेटो सॉस है, दोनों सॉस के साथ दे देंगे। और इसको टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं दोस्तों, पर मैं आज सॉस के साथ दे रही हूँ खाने के लिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है, देख के कोई भी बच्चा खा लेंगे। देखिए दोस्तों मेरे ननद आई हुई है और हंस रही है, देखिए कैसे मेरे को, मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ देख के। देखिए दोस्तों मेरे ननद शर्मा रही है, उन्हीं लोग के लिए नाश्ता बना रही दोस्तों। और मेरे घर में आज कुछ सामान था नहीं, मेरे बेटा लेने नहीं गया, और मेरा बड़ा बेटा बहुत बिजी था, उसको काम चल रहा था तो नहीं जा पाया। तो घर में जो कुछ भी था उसी से मैं नाश्ता बना दी। अब पता नहीं इन लोगों को कैसे लगेगा, पर अच्छा ही लगेगा, हम लोग खाते रहते दोस्तों, आप लोग को पता है। देखिए दोस्तों अब नाश्ता देने के लिए जा रहे हैं, अब ये बन रहा है इधर,
बैठे जी सोए हैं। दीजिए जी नाश्ता कीजिए। अब नाश्ता दे दिए दोस्तों, बाकी लोग कभी ऐसे बनाते जाएंगे और नाश्ता देते जाएंगे गरम गरम। पकौड़ा गरम गरम ही अच्छा लगता दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसे बनाते जा रहे हैं, सबको देते जा रहे हैं। तो बाकी जो बचा है उसको भी कर लेंगे दोस्तों। आज की ब्लॉग यही खत्म कर रहे हैं दोस्तों। क्या है, बहुत अभी बनाना है मेरे को पकोड़ा, और फिर सबको खाने भी देना है एक एक करके, तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए अभी मैं यही खत्म कर रही हूँ। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।